थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ डी लिंक का यूएसबी वाईफाई को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और इस यूएसबी डिवाइस को मैं एक सीपीयू के अंदर लगाने जा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं मुझे लगा दिया जाए है। ये ऑटो इंस्टॉल नहीं होता है, तो हम सबसे पहले इसके ड्राइवर को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो फिर हम गूगल पे जाएंगे, गूगल जाने के बाद में डाउनलोड डी लिंक DLOE लिंक सर्च करेंगे और हम इस लिंक पे जाएंगे और फिर हम इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए आप डाउनलोड हो रहा है ये। और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है, और कंप्लीट होते ही हम इसको ओपन करेंगे शो इन फोल्डर में और इसको डबल क्लिक करेंगे, देन अगेन डबल क्लिक करेंगे और सेटअप को रन करेंगे। सेटअप को रन करते ही एक प्रॉम्प्ट आएगा, डबल क्लिक कर दिया हमने और ये रन आया। रन को हमने क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ये देखिए इंस्टॉल हो रही है धीरे धीरे। होने के बाद में ये चेक मार्क करेंगे एंड सेटअप करेंगे। देख आप देख रहे हैं डी लिंक इंस्टॉलिंग द डिवाइस आ रहा है। ये थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। देखिए अभी भी इंस्टॉल हो रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद में हम सबसे पहले ड्राइवर जाकर चेक करेंगे क्या इसका ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई ड्राइवर आ चुका है डी लिंक का, जो मॉडल नंबर आपने आपके पास है। फिर यहाँ पर जाएंगे वाईफाई पे, पेन ड्राइवर पर, यहाँ पर वाईफाई शो होने लगे हैं और आप कोई भी जो आपके घर का वाईफाई होगा उस पर कनेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, देन यस करेंगे, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप गूगल पे जाएंगे, क्रोम पे और कोई भी वेबसाइट चला के आप देख सकते हैं आपका इंटरनेट चलने लगेगा ओवर दी वाईफाई। थैंक्स गाइस।